आने वाला है अयोध्या विवाद पे जो बाबरी मस्जिद में राम मंदिर का था, किस तरीके के शासन प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, कितना संवेदनशील मामला इस को मान रहे हैं आप? देखिए, आगामी अयोध्या प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जगह जगह स्पॉट मीटिंग्स कर रहे हैं और जगह जगह जितने धर्म गुरु हैं उनसे बात कर रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों समूहों के लोगों को बुलवा करके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और शासन और प्रशासन की क्या प्रायोरिटी रहेगी इस दौरान उस चीजों को बता रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ शौकत अली हाता है, यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें व्यापार मंडल के और विभिन्न धर्मों के अलग अलग लोग सम्मिलित हुए। एडीएम साहब और हम पूरे पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, जिसमें इनको पूरी पुलिस चीजों को बताया गया और हर दशा में शांति स्थापित करने की बात की गई और अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया गया और बहुत ही काफी अच्छी मीटिंग ये रही। और उम्मीद है कि यहाँ पे पूरी जो हमारी व्यवस्था है इससे सारी चीजें शांति और सुकुशल निपट जाएंगी। सर, अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रकरण सामने आता है या कोई ऐसी संवेदनशील बात होने लगी या कोई अराजक तत्व इस तरीके के काम करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई उस पर की जाएगी, क्या कानून बनाया गया? नहीं, देखिये, इसमें माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करने के बारे में सभी को बताया गया और दूसरी चीज, किसी प्रकार की अव्यवस्था सड़क पर न होने पाए इसके संबंध में सभी लोगों को जागरूक किया गया है और सभी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कहीं पे कोई समस्या इस प्रकार की नहीं है। हर प्रकार की अफवाहों पर रोक लगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं और पूरी हमारी तैयारी है और कहीं से कोई समस्या नहीं आने पाएगी। ठीक है, ओके।